ऋषभ पंत का एक्सीडेंट कैसे हुआ, डीडीसीए और पुलिस के बयान अलग अलग, आखिर क्या है पूरी सच्चाई। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का 30 दिसंबर को सड़क हादसे में एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में देहरादून के मैक्स अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया और उस वक्त ऋषभ पंत मैक्स अस्पताल के ICU में एडमिट है। ऋषभ पंत की बात करें तो उनकी मर्सिडीज कार एक डिवाइडर से टकरा गई। घटना दिल्ली देहरादून हाईवे की है। बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत की कार मर्सिडीज से टकराई, इसके बाद उनकी कार में आग लग गई, कई बार पलटी भी खाई। ऋषभ पंत किसी तरीके से बाहर निकलने में कामयाब रहे और अब वह अस्पताल में है। लेकिन इन सभी के बीच ऋषभ पंत का एक्सीडेंट कैसे हुआ है, इसकी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस और साथ ही साथ DDCA के बयान अलग अलग आए हैं। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट को लेकर पुलिस और DDCA ने अलग अलग बयान दिए हैं, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुलिस की। उत्तराखंड पुलिस के DGP अशोक कुमार ने बताया कि ऋषभ पंत की झपकी लगने से आंख बंद हुई और इसके बाद ही यह दुर्घटना हो गई। उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर ने ऋषभ पंत को बाहर निकाला। ऋषभ पंत ने उनसे कहा कि मेरी झपकी लगी है और इस वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। सुनिए DGP अशोक कुमार ने ऋषभ पंत के एक्सीडेंट को लेकर क्या कुछ कहा। है इस दुर्घटना के बारे में बाद में मेरे पास एक कॉल आई और हमने फिर कंट्रोल रूम से अपने से भी वेरीफाई किया, तो जो एक हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर थे सुशील और उनके कंडक्टर थे परमजीत, इन लोगों ने ही पहले सबसे पहले 112 को सूचना दी, जिससे समय से हमारी पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंच गई वहां पे। और पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले इन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई और फिर उसको पलटते और आग लगते हुए देखा, तो ये लोग तत्काल अपना इमरजेंसी ब्रेक लगाए इन्होंने बस पर और इमीडिएटली जो है दोनों लोगों ने आकर के, इनका कहना है कि पंत जो थे वो आधा अंदर थे गाड़ी के आधा बाहर थे और गाड़ी चल रही थी, उन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपकी आ गई और अंदर में और कोई नहीं है, दे उनको अगर कोई और लाइफ होता तो फिर उसे भी बचाना जरूरी होता। और फिर बाद में पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस आ गई और उनके द्वारा फिर इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बता दें कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट जिस जगह पर हुआ वहां पर फोरेंसिक की टीम शनिवार को पहुंची, मुआयना किया, हालांकि फोरेंसिक की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लेकिन अब बात कर लेते हैं DDCA की, यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की। DDCA के डायरेक्टर श्याम शर्मा शनिवार को ऋषभ पंत से मिलने पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की और बताया कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट गड्ढे से बचाने के चक्कर में हो गया। उन्होंने कहा कि रोड पर गड्ढा था और ऋषभ पंत अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान उनके साथ ये दुर्घटना हो गई। सुनिए DDCA के डायरेक्टर श्याम शर्मा ने ऋषभ पंत को लेकर क्या कुछ कहा। देखो रात का टाइम था, कुछ बचा रहा था, गड्ढा सा कोई आ गया था, उसको बचा रहा था। इसके अलावा DDCA के डायरेक्टर श्याम शर्मा ने बताया कि वह पूरी तरीके से ठीक हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, अस्पताल के साथ हम संपर्क में हैं, BCCI लगातार डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर रही है, BCCI उन्हें हर मदद करने का प्रयास करेगा, उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएगी, अगर एयरलिफ्ट की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ऋषभ पंत मुस्कुरा रहे हैं और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम लोग उनके साथ हैं और सभी की दुआएं उनके लिए काम कर रही हैं। सुनिए आगे क्या कुछ श्याम शर्मा ने कहा। मैं सिर्फ उसको देखने के लिए आया था और जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है तो पेन है, पेन में है थोड़ा सा, बट कॉन्फिडेंट है, स्माइलिंग है, अच्छे से बात कर रहे हैं, काफी देर बात की, हंस रहा है अच्छे से और आप सबकी दुआएं हैं, बच्चा बच गया, बहुत अच्छा कर रहा है, अभी रिकवरी हो रही है, अच्छे से रिकवरी अच्छे से हो रही है, स्माइलिंग And God is kind and graceful. आपको जानकारी के लिए बता दें कि हादसे के बाद ऋषभ पंत के लिए उनके फैंस तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं, लगातार ऋषभ पंत जल्द ही फिट हो जाएं, इसी की दुआएं मांगी जा रही हैं। इसको लेकर तमाम लोग ऋषभ पंत से मिलने के लिए भी पहुंच रहे हैं, उनका पूरा परिवार इस वक्त अस्पताल में ही मौजूद है। ऋषभ पंत की माँ, उनकी बहन क्रिकेटर नीतीश राणा समेत तमाम लोग अस्पताल में नजर भी आए, पुलिस वाले भी लगातार ऋषभ पंत के साथ बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर्स उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी खर्च ऋषभ पंत के मेडिकल ट्रीटमेंट में आएगा वो सरकार उठाएगी और उन्हें
बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। ऋषभ पंत इस वक्त आईसीयू में है, हालांकि उनकी रिपोर्ट्स जो सामने आई थी उसमें सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ सर्जरी होना अभी बाकी है और इसी के बाद ऋषभ पंत रिकवरी के दौर पर आएंगे। बहरहाल ऋषभ पंत से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो कुछ आपकी राय है DDCA और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा दिए गए इन बयानों को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।